हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारा क्लास चल रहा है ब्रिटिश सिस्टम में हर्नियर कैलिपर को पढ़ना। तो इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ा ब्रिटिश सिस्टम में हर्नियर कैलिपर को चित्र के अनुसार कैसे पढ़ेंगे। तो चित्र के अनुसार पढ़ने की जानकारी हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम जानेंगे अगर रीडिंग दिया गया है पहले से तो उसको चित्र पर कैसे दर्शाया जाएगा। अर्थात जैसे कि कोई रीडिंग दे दिया गया और चित्र दे दिया गया कि बताइए कि इसमें से कौन सा सही है ऑप्शन में, तो किस प्रकार पहचानेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर आज जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ये आया कि ब्रिटिश सिस्टम में वर्नियर कैलिपर के द्वारा 0.16 इंच को चित्र के द्वारा दर्शाएं। तो किस प्रकार हम चित्र के द्वारा दर्शाएंगे, इस चीज को हम समझेंगे। तो वर्नियर कैलिपर को अगर पढ़ना है या चित्र को देख करके समझना है या रीडिंग लिखा हुआ है इसके अनुसार चित्र बनाना है तो वर्नियर कैलिपर के बारे में हमें पूरी जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर में जो जानकारी है मुख्य रूप से उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले भी हम बता चुके हैं, फिर दोबारा बता रहे हैं। जैसे कि ब्रिटिश सिस्टम में वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट की जानकारी हमें होना चाहिए। तो लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 इंच, ये लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। मेन डिवीजन कितना होता है, मेन डिवीजन होता है 0.1 इंच, ठीक है। सब डिवीजन होता है 0.025 इंच। इन तीन बातों को जानना आवश्यक है, इसके अनुसार हम किसी भी रीडिंग को चित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट काउंट 0.001 इंच होता है, मेन डिवीजन 0.1 इंच होता है, सब डिवीजन 0.025 इंच होता है। तो इसमें हम यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं कि क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया, जो छोटा लाइन है जीरो के बाद जो छोटा लाइन है, ये वाला लाइन, इसको हम कहते हैं सब डिवीजन, ठीक है। और जो बड़ा वाला लाइन है इसको कहा जाता है मेन डिवीजन, ठीक है। और लीस्ट काउंट जो होता है वह 0.001 इंच होता है, ये हमेशा ये इतना ही होगा। और ये जो मान है आपका यही है, सभी का मान आपका दिया है कितना, मान 0.025 इंच होता है और मेन डिवीजन का मान जो होता है 0.1 इंच होता है, ये क्लियर है। तो अब हमें जानना है इसका चित्र कैसे बनेगा, ये जो रीडिंग दिया गया है इसका चित्र कैसे बनेगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। दिया गया है 0.146 इंच, अर्थात यह जो माप है यह एक इंच से कम है। तो इसमें हम ये देखेंगे, स्केल को पहले बनाएंगे हम इस तरह से, यहाँ पर
सर्कल बनाएंगे हम, पॉइंट एक पहला माप है, पॉइंट एक। तो पॉइंट एक का मतलब क्या हुआ, इसको हम पॉइंट एक मानेंगे, ये पॉइंट दो हो जाएगा, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर, पॉइंट फाइव, इस तरह से पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, जहां दसवा हो जाएगा वह टोटल एक इंच हो जाएगा। तो पहले हम पॉइंट वन को लेंगे, तो आपका जो वर्नियर स्केल होगा वह जाहिर सा बात है कि यह इसको पार कर जाएगा, ये जो पॉइंट वन आ रहा है इसको वर्नियर स्केल पार कर जाएगा। तो पॉइंट वन का मान हो जाएगा आपका, अगर यहाँ आता है तो वर्नियर स्केल का जीरो आता है। अब पॉइंट वन के बाद दो अंक बच रहे हैं, छियालीस, फोर सिक्स। अब हम ये देखेंगे कि जो छियालीस है वह पॉइंट जीरो टू फाइव से कम है या अधिक है। तो ये अधिक है, जीरो टू फाइव से छियालीस अधिक है, तो इसमें इसका मान आएगा, जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव का मान आएगा, अर्थात हमारा जो जीरो होगा वर्नियर का जो जीरो स्केल होगा वह यहाँ पर आएगा, पॉइंट एक हो गया। और उसके बाद छियालीस अधिक है पच्चीस से, तो हमारा एक सब डिवीजन इसमें आ जाएगा। अगर ये छियालीस जो है अगर पचास से अधिक होता, पचास से अधिक होता तो दो सब डिवीजन आता इसमें, दो आता, और पचहत्तर से अधिक होता तो तीन सब डिवीजन यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका यहाँ तक तो समझ में आ गया कि मेन डिवीजन जो है आपका पॉइंट एक आ गया, सब डिवीजन जो है आपका आ जाएगा पॉइंट जीरो टू फाइव, इतना आ गया। अगर हम इसको टोटल करते हैं तो आपका आएगा पॉइंट एक टू फाइव, इतना रहा है, जबकि हमको आना चाहिए इतना। अब हम ये देखेंगे कि कितना जोड़ेंगे कि ये जो है फोर सिक्स आ जाएगा, छियालीस में कितना जोड़ेंगे कि फोर सिक्स आ जाएगा, पच्चीस में कितना जोड़ेंगे कि छियालीस आ जाएगा। तो आप जोड़िए कितना जोड़ना है, इक्कीस, इक्कीस जोड़ा जाएगा इसमें, ट्वेंटी वन जब जोड़ेंगे तो आपका छियालीस आ जाएगा, यानी कि ट्वेंटी वन जोड़ रहे हैं यहाँ पर, इक्कीस जोड़ रहे हैं तो आ जा रहा है आपका पॉइंट वन फोर सिक्स आ रहा है। तब ट्वेंटी वन कहाँ से लेंगे हम, कहाँ पर दर्शाएंगे, तो वर्नियर स्केल का इक्कीसवा लाइन हम दर्शाएंगे, किसी एक लाइन से मिलाएंगे। तो वर्नियर स्केल का जीरो हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस, इक्कीस लाइन जो है, इक्कीसवा लाइन जो है ये आमने सामने हम यहाँ पर दर्शा देते हैं, एक दो तीन चार, ये आपका पांचवा लाइन हो जाएगा, छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, ये बीस हो गया, ये इक्कीस हो गया, बाईस तेईस चौबीस पच्चीस, वर्नियर स्केल पर पच्चीस निशान होते हैं, इस बात को याद रखना है। तो जब इक्कीसवा हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, लिस्ट काउंट गुने वर्नियर स्केल इक्कीस। तो लिस्ट काउंट आपको पता है कि पॉइंट जीरो जीरो वन है, तो गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा पॉइंट जीरो टू वन। इस प्रकार से हम यहाँ पर जोड़ देते हैं तो आपका छ चार एक पॉइंट, यानी कि ये जो रीडिंग हुआ इस तरह से अगर दर्शाते हैं तो आपका सही है। इसके बाद और बताएंगे, इतना आप समझिए ठीक से, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सवाल करके कॉल करके पूछ लेना है। चलिए, धन्यवाद।